गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम अरियम मीना है। मैं लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर राजेश पायलट राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा में कार्यरत हूँ। और आज हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से EL 205 और CS 205 जो सब्जेक्ट है उसके प्रैक्टिकल मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हमें मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर करने के लिए हमें किट चाहिए। ये मल्टीप्लेक्सर डी मल्टीप्लेक्सर, इसमें हमें 4:1 मल्टीप्लेक्सर, जिसको 4:1 लाइन मल्टीप्लेक्सर भी बोलते हैं, और 1:4 लाइन मल्टीप्लेक्सर, वो दोनों की इसमें सर्किट डायग्राम बने हुए हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि मल्टीप्लेक्सर के अंदर जैसे चार इनपुट होते हैं, तो चार इनपुट को सेलेक्ट करने के लिए उसमें जो सेलेक्ट लाइन होती है वो दो होती है। इसी तरह यदि 8 इनपुट्स होंगे तो उसके लिए आपके पास में 3 सेलेक्ट लाइन होंगे। और यदि 2x1 होगा मल्टीप्लेक्सर, मतलब दो इनपुट होंगे तो उसमें आपकी एक सेलेक्ट लाइन। इसी तरीके से जो डी मल्टीप्लेक्सर होते हैं, तो डी मल्टीप्लेक्सर क्या करता है, ये इसमें सिंगल इनपुट होता है और इसमें मल्टीपल आउटपुट होते हैं। ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। तो और दूसरा इसके लिए किट आना चाहिए डिजिटल सर्किट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म, ये साइंस टेक 2614 के द्वारा बना गया है। और एक ये पावर सप्लाई है, एनालॉग टू डिजिटल सर्किट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म पावर सप्लाई, ये हमारे मेन पावर सप्लाई से डिजिटल सर्किट डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपन क्या करते हैं, जो कनेक्ट करते हैं, तो ये सॉकेट को हमने फंसा दिया। उसके बाद में जो 5 वोल्ट है, जो हाई वोल्टेज है, उसको 5 वोल्ट को हम स्टेबल लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो ग्राउंड होता है उस ग्राउंड टर्मिनल को यहाँ पर ग्राउंड करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब इसके जो सेलेक्ट लाइन है, सेलेक्ट लाइन को हम ब्लैक कलर से लगाएंगे यहाँ पर। तो ये आपकी S1 और ये आपका S2। ठीक है, तो ये मैंने S1 को लगा दिया आपका D15 में, और S0 को लगा दिया मैंने D14 में। ठीक है, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो इसके आउट जो, और ये D0 D1, ये इसके इनपुट है, इनको D0 को मैंने D0 से लगा दिया और D1 को D1 से, इसी तरीके से D2 को, और D3 को, जिसमें इस तरीके से हमने चार जो इनपुट हैं और दो सेलेक्ट लाइन है, वो दोनों हमने इसको सेलेक्ट कर ली, तो मतलब इनके कनेक्शन कर दिए, और इसके जो आउटपुट है वो हम आउटपुट को यहाँ से देते हैं। ठीक है, फिर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ट्रुथ टेबल है उसको एक बार देख लीजिए। अब इसका जो सर्किट डायग्राम था आप यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा इसकी जो ट्रुथ टेबल है, वो ट्रुथ टेबल ये वाली ट्रुथ टेबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब S1 और S0 की वैल्यू जब 0 रहेगी, तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, I0 को। और S1 और S0 की वैल्यू जब 0-1 रहेगी तो I1 को, और 1-0 रहेगी तो I2 को, और 1-1 रहेगी तो I3 को। ठीक है, इसके बाद में इनका जो एक्सप्रेशन है कि उसको हम Y को, वो Y का एक्सप्रेशन आपका ये आएगा, I0 S1 बार S0 बार I0 S1 बार, और ये। ठीक है, तो इस वाले इसको ही हमने, जो ये एक्सप्रेशन आया इसी को निकालने के लिए हमने क्या करा, और जो एंड गेट है इनके सहायता से तथा नॉट गेट की सहायता से हमने ये बना लिया आपका मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम क्या करें, अब इसको पावर सप्लाई हमने ऑन कर दी। जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे तो इसमें हम देखेंगे, पावर सप्लाई ऑन कर दी, और जब इसकी सेलेक्ट लाइन ये दोनों जब 0-0 और इसकी जो इनपुट सब 0 हैं, तो ये आपको क्या दिखाएगा, 0। जब ये 16 बिट LED डिस्प्ले यदि येलो कलर की होती है, तो इसका मतलब होता है 0, और ये रेड कलर में हो जाएगी तो A1। ठीक है, तो जब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 0-1 दिखाऊंगा, तब भी ये 0 आएगा, क्योंकि I0 की वैल्यू है, I1 की वैल्यू है, I2 की वैल्यू है, I3 की वैल्यू है, जो D0 D1 और D2 D3 के द्वारा दिखाई गई है, उनकी वैल्यू सब पे 0-0 है, तो 0 दिखाएगी, किसी भी केस में आपको 0-0 दिखाएगी, ये सब में 1-1 में देख लिया। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद में हम सबको ऑन कर देते हैं, ये ऑन कर। ठीक है, अब ये ऑन करने के बाद में आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने करा, ये केवल I0 को आपने 1 रखा है, I0 को आपने 1 रखा है, और ये आपका 0-0 है, 0-0 है, तो ये किसको सेलेक्ट करेगा, I0 को। I0 पे क्या है आपका, 1। I0 पे जब 1 है तो ये क्या आ गया आपका, 1 आउटपुट आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल आप इसमें करते हो 0-1, तो 0-1 करोगे, ये कौन सा आपका, ये S1 है, S1, तो S1 की वैल्यू
S1 की वैल्यू जब 0 रहेगी और S0 की वैल्यू जब 1 रहेगी, तो ये आपका क्या आएगा, इसको ये वाले को D1 को सिलेक्ट करेगा। 1 0 करेंगे तो ये 0 हो, तो इसका मतलब जब 0 0 रहेगा तभी ये 1 दिखा रहा है, बाकी में ये 0 दिखा रहा है। इसी तरीके से अब हम देखेंगे, अब D मतलब I0 और I1 हमने दोनों को कर दिया 1 1। अब ये 0 0 पर भी 1 दिखाएगा, 0 1 है उस पर भी 1 दिखाएगा, लेकिन 1 0 करेंगे तो ये 0 दिखाएगा। इसी तरीके से अब फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इसको भी कर दिया I3 को, और इन दोनों कर लिया मैंने मतलब 0 0 I0 और I1 को, तो I0 और I1 को मैंने 0 0 कर दिया, तो 0 0 पर ये 0 दिखा रहा है, 0 1 पर भी ये 0 0 दिखा रहा है, और ये 1 0 करूँगा तो ये आपका 1 आ गया। तो ये I3 को इसने पास कर दिया, जो इसका इनपुट है उसको हम पर्टिकुलर इनपुट को हम सेलेक्ट लाइन के द्वारा उसके आउटपुट पर पास कर रहे हैं। इसी तरीके से यदि मैं 1 1 कर देता हूँ तो ये आपको 0 दिखा रहा है, क्योंकि हमारा जो I3 है वो क्या है आपका 0, ठीक है। तो अब ऐसे अब जैसे मैंने ये कर दिया 1 I3, तो आपने क्या है ये 0 0 पर क्या दिखाएगा, 0 0 1 पर भी 0 दिखाएगा, 1 0 पर भी ये 0 दिखाएगा, और ये 1 1 है उस पर ये 1 दिखाएगा। इस तरीके से जो हमारा पोर्ट टू वन जो मल्टीप्लेक्सर है वो हमने वेरीफाई कर लिया, ठीक है। इसी तरीके से जो ये डी मल्टीप्लेक्सर का है, ये डी मल्टीप्लेक्सर का जो सर्किट है, ये आपको ये शुम करना है। तो इसमें क्या है, इसमें 2 सेलेक्ट लाइन है, और 2 सेलेक्ट लाइन के अलावा एक डेटा लाइन है, डेटा इनपुट है, और इसमें इनपुट सब के लिए जाएगा, और ये इनपुट किस कौन से आउटपुट पर जाना है वो इसकी सेलेक्ट लाइन आपको मतलब बताएंगी। तो ये 1x4 है, तो इसमें क्या होगा, 4 इसमें आउटपुट होंगे और 2 इसमें सेलेक्ट लाइन होगी। तो इसका आप एक बार ट्रुथ टेबल देख लीजिए, तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। तो इसमें डेटा इनपुट D और ये कर दिया, और सेलेक्ट लाइन S1 और S0, और इसके हिसाब से ये Y0 पे जाएगा, यदि 0 0 रहेगा तो D किस पे चल जाएगा, Y0 पे। इसी तरह का 0 1 रहेगा तो Y1 पे, और 1 0 रहेगा तो Y2 पे, और 1 1 रहा तो ये आपका D Y3 पे चल जाएगा। इस तरीके से जो आपका 1x4 जो डी मल्टीप्लेक्सर है उसका भी हम कर सकते हैं परफॉर्म। तो इस प्रकार से आपका ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कंप्लीट हुआ। आपको इसके अपरेटस वगैरह में सारी सब लिख के लाना है कि एक इसमें हम ये किट लेते हैं, एक ये इसमें डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म होता है, पावर सप्लाई होती है, और ये हम जो केबल्स वगैरह लगाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।